उधर फिरोजपुर के कई पिंड भी हड़ की मार हेठ आ चुके हैं। जिहड़ा पानी आ लोगों के घरों के विच बढ़ चुका है, किसानों दी फसलां तबाह हो चुके हैं। प्रशासन वल्लों लोगों नूं उच्चियां थावां ते जाण दी अपील की जा रही है। पानी विच फसे लोगों नूं भी बचाउण लई बचा कार्ज लगातार जारी है। जहाँ फिरोजपुर के दर्जना पिंड हड़ की मार हेठ आ चुके हैं, प्रशासन वल्लों लोगों नूं उच्चियां थावां ते जाण दी गल आखी जा रही है। ये अपील है प्रशासन के वलों, पानी विच फसे लोगों नूं बचाउण दी कोशिशां लगातार जारी है। पिछले एक महीने च तीसरी बार हड़ ने इस इलाके दे विच तबाही मचाई है। किसानां दी झोने दी फसल पूरे तरीके दे नाल तबाह हो चुकी है। फिरोजपुर सरहदी जिला जिस दे विच पानी ने एक बार फिर तो मार मारी है, पानी कई पिंडां दे विच वड़ चुका है, किसानां दी फसलां तबाह हो चुकियां ने। प्रशासन के वलों लोगों नूं अपील है कि तुसीं उच्चियां थावां ते जाओ, जेकर घरां दे विच तुहानूं रहण लई मजबूरी है तुसीं तां उत्थे ना रहो, कृपा करके बाहर आ जाओ। किसानां दीआं फसलां भी तबाह हो चुकियां ने। आ तस्वीरां देखो किस तरीके नाल हड़ है जिहड़ा अपनी मार मार रहा है, लोगों दीआं फसलां तबाह कर रहा है, किसानां दीआं फसलां तबाह हो चुकियां ने, पिंड पिंड तबाह हो चुके ने, घरां दे विच पानी वड़ चुका है, रोज़मर्रा दा जिहड़ा समान है वह तबाह हो चुका है। तो लोगों नूं प्रशासन दे वल्लों अपील है कि नीवियां थावां ते जाण दी जरूरत नहीं है। तो वर्ल्ड पंजाबी टीवी दे वल्लों भी लोगों नूं अपील की जाती है कि हड़ प्रभावित इलाकों दे विच स्टंटबाजी करन दी लोड़ नहीं है, क्योंकि कई बार खुदा ना खास्ता कईयां नूं जान भी गवानी पई है। पिछले दिनों दे विच असीं देखिया कईयां दी हड़ां दे विच डुब्बण दे नाल मौत हो गई है। कई बार लोग की हुंदे ने इकट्ठे हो जाते हैं पानी देखण लई, इह कोई स्टंटबाजी नहीं है, ये कोई तमाशा नहीं है। साडे वल्लों इही अपील है, जान बचाउणा बहुत जरूरी है, अपने नाल अपने परिवार वालिया की जान बचाओ, तो जिहड़े आवारा पशु ने जां फिर बेजुबान ने उहनां नूं भी जान उहनां दी भी जान बचाउणा बहुत जरूरी है। सतलुज दरिया के पानी का पद्धर लगातार वधदा जा रहा है। फिरोजपुर जिले की गल करिए, फिरोजपुर जिले के सतलुज दरिया के वलों काफ़ी कहर मचाया होया है। असी इस समय जिले फिरोजपुर के निहाला अलवेरा पिंड मौजूद हाँ, तस्वीर तुहानू असी दिखाने। लगातार पानी का पद्धर करीब अज सवेर तो 2.5 तो 3 फुट पानी का पद्धर वध चुका है। अज करीब 2,29,000 क्यूसिक पानी हरीके हेड तो छड़िया गया है। पिछले महीने की गल करिए, जुलाई महीने के 10 तरीक नूं जो पानी आया सी, तो उस नालों भी इस समय पानी का पद्धर वधदा जा रहा है। लगातार इत्थे प्रशासन के वलों लोगों बाहर भी कढ़िया जा रहा है। BSF के जवानों के वलों भी लगातार अपना जान जोखिम च पा के इन्हों सुरक्षित थावां ते पहुंचाया। साडे नाल तहसील नायब तहसीलदार मौजूद ने, उन्होंने गलबात करांगे। सर, किन्ने कु लोग जिहड़े ने इस समय जी फसे हुए ने? सर, हजे काफ़ी लोग जिहड़े अंदर बैठे ने। असीं पिछले 3 दिन तो लगातार इन्हों जिहड़ी चेतावनी दे रहे हैं और बेनती भी कर रहे हैं कि तुसीं बाहर सुरक्षित थावां ते आ जाओ। तो पर यह जिहड़े साडे लोग ने, यह जिन्ना चिर पानी आ नहीं जांदा उन्ना चिर बाहर नहीं आते। हुण लगातार असीं सवेर का जिहड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, तकरीबन 250 तो उपर जिहड़े पब्लिक असीं बाहर कढ चुके हैं और BSF के जिहड़े साडे जवान ने उह सवेर तो लगातार लगे हुए ने कढ रहे। साडियां इत्थे 3 बोट्स चल रहियां ने रैगूलर, बाकी असीं सर आर्मी दे बोट्स होर मंगा लईआं, क्योंकि पानी ਦਾ ਲੈਵਲ ਹੋਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਔਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੇਗਾ ਪਾਣੀ ਹੋਰ। ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਦੇ ਇੱਥੇ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕੱਲ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ, ਕੱਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੱਧ ਚੁੱਕਾ? ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਰ ਕੱਲ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਅੱਜ ਡਬਲ ਹੈ ਜੀ। ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੀਗੇ ਉਹ ਲਾਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਘਰ ਦਿਸਦਾ ਹੋਣਾ, ਇੱਥੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 300 ਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਖਲੋਤੇ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲੈਵਲ ਹਜੇ ਹੋਰ ਵਧਣਾ ਸਰ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹਰੀਕੇ ਹੈਡ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਫੀਸਦੀ ਆ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ? ਹਰੀਕੇ ਹੈਡ ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ 2,29,000 ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਤੇ ਹਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਤਕਰੀਬਨ 10,000 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਜੀ ਉਹ। ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਸਾਡੇ ਰਿਲੀਫ ਕੈਂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਠਿਆਂ ਤੇ ਜਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲੈਵਲ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਨ ਮਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਕੈਂਪ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਵੈਟਰਨਰੀ ਡਾਕਟਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੂਰਾ ਜੀ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੂਰਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾਂਗੇ।